पसमांदा पंचायत जो है आप वो निकाल रहे हैं इस वक्त पूरे ही सूबे में, उत्तर प्रदेश में पंचायत चल रही है पसमांदा पंचायत, तो थोड़ा सा लोगों को बताइए जो यहाँ मौजूद है, जो टेलीविजन पर इस वक्त आपको सुन रहे हैं, कि पसमांदा पंचायत क्या है और खास तौर से माइनॉरिटी तबके की, मुस्लिम तबके का जो पसमांदा तबका है उसको साधने की कोशिश कर रहे हैं, उनके इश्यूज को आप एड्रेस करते हैं, उनके बीच जाते हैं और उन्हें पार्टी से जोड़ने की कोशिश करते हैं, तो पूरी मुहिम क्या है थोड़ा सा सबसे पहले उसके बारे में ब्रीफ कर दीजिए। देखिए अभी पूरे उत्तर प्रदेश में पसमांदा पंचायत के माध्यम से मैं पसमांदा समाज के बीच में जा रहा हूँ अलग अलग जिलों में, और इसके पीछे का मकसद बड़ा क्लियर है। देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने पसमांदा समाज के तरक्की और उत्थान की बात कही, और एक बात हमारे प्रधानमंत्री जी में है कि वो जो बात कहते हैं फिर उस पर बड़ा ठोस काम भी करते हैं। तो आजादी के बाद और अब तक पसमांदा समाज जो है ये आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से ये बहुत ही मजबूत नहीं हो पाया जी। और ये आप लगातार आप देखिए उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने की, उनको सामाजिक रूप से मजबूत करने की, राजनीतिक रूप से मजबूत करने की एक जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने उठाई। और ये और देखिए सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर हम पसमांदा समाज के तरक्की की बात करते हैं तो इसमें ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी की तरक्की जुड़ी हुई है। इसमें ये मतलब नहीं है कि हम फॉरवर्ड मुस्लिम को अलग देख रहे हैं, बैकवर्ड मुस्लिम को अलग देख रहे हैं। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं सपा और कांग्रेस जिनके पेट में दर्द हो रहा है इस बात से, तो इसका मकसद उन्होंने इसको जो है डिफेम करने की कोशिश की। ये बात सही है।